ये देखिए क्या है ये, चुल्लू है चुल्लू, इसमें पानी डालेंगे तो चुल्लू भर पानी हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब बात कर लेता हूं टीम इंडिया पर। बांग्लादेश तक से ये टीम सीरीज हार गई। कहां तो आप इस टीम से वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना पाले थे, उम्मीद पाले थे ये टीम वनडे वर्ल्ड कप जिताएगी। सातवें नंबर की टीम बांग्लादेश जिसका नाम है उससे तक ये टीम जीत नहीं पा रही है और आप सोच रहे हैं कि ये टीम वनडे विश्व कप उठाएगी। हार पर हार, हार पर हार, एक और शर्मनाक हार। कम से कम ये तो उम्मीद नहीं की थी इस टीम इंडिया से कि ये बांग्लादेश तक से सीरीज हार जाएगी। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अपनारा के मनासे नशा कुरेशा भाई बालो आसिन अमी जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल अमी अपना दर्जनो आती वीडियो प्ले करते जर्ची शबाई देखविन आशा कुरेशा भाई देखविन बालो लगबे। आई बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश ने एक दफा फिर भारत को शर्मनाक शिकस्त दी है, भारत को बड़ी शिकस्त दी है। 5 रन से बांग्लादेश ने ओडीआई का दूसरा मैच जीत लिया। उसके बाद तो भारत की मीडिया मरने पे आ गई है, भारतीय मीडिया तड़प रही है। पहले तो मैच में शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया थोड़ा सा जल रही थी, अब वो जलने के बाद कोयला बन चुकी है। किस तरह रो रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के एंकर। आज ये बात की जा रही है कि थोड़ा सा पानी लें और उसमें डूब के मर जाएं। अपनी भारतीय टीम को ये कहा जा रहा है और मजीद क्या कहा जा रहा है भारतीय टीम को, आज इसी हवाले से वीडियो है। और भारतीय मीडिया को और टीम को इसी तरह से जलने दे। बांग्लादेश के नौजवानों, बांग्लादेश के फैंस, आपको जीत बहुत बहुत मुबारक हो और आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। तो चलें देखते हैं भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इस हवाले से। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। ये देखिए क्या है ये, चुल्लू है चुल्लू, इसमें पानी डालेंगे तो चुल्लू भर पानी हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब बात कर लेता हूं टीम इंडिया पर। बांग्लादेश तक से ये टीम सीरीज हार गई। कहां तो आप इस टीम से वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना पाले थे, उम्मीद पाले थे ये टीम वनडे वर्ल्ड कप जिताएगी। सातवें नंबर की टीम बांग्लादेश जिसका नाम है उससे तक ये टीम जीत नहीं पा रही है और आप सोच रहे हैं कि ये टीम वनडे विश्व कप उठाएगी। हार पर हार, हार पर हार, एक और शर्मनाक हार। कम से कम ये तो उम्मीद नहीं की थी इस टीम इंडिया से कि ये बांग्लादेश तक से सीरीज हार जाएगी। हम न्यूजीलैंड को T20 में हरा रहे हैं, न्यूजीलैंड में जाकर हरा रहे हैं, लेकिन रोहित वहां पर आराम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम दूसरे कप्तान ने, हार्दिक पांड्या ने वहां पर वो करके दिखाया और दम भी दिखाया कि टीम इंडिया में दम है। हमने 1-0 से न्यूजीलैंड को पटक दिया, उसके घर पर उसको हराया। लेकिन वापस से जब कप्तानी आती है हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा के हाथों में, तो एक और कलंक टीम इंडिया के माथे पर लग जाता है। बांग्लादेश तक से सीरीज हार। 2015 में आखिरी बार हमारे थे बांग्लादेश में उसके घर पर वनडे सीरीज, फिर विराट कोहली गए जिताया, उनकी कप्तानी में हम नहीं आ रहे, लेकिन रोहित शर्मा ने वो भी कर दिया। 2-0 से टीम इंडिया पीछे हो गई है इस वनडे सीरीज में और हार चुकी है इस वनडे सीरीज। तो फिर क्या हुआ, दूसरे मैच में कैसे हारे, कौन कौन इस हार के जिम्मेदार रहे, क्या हुआ पूरे मैच में, वो आपको बता देता हूं। तो दूसरे मैच में टॉस जीता था बांग्लादेश ने, पहले किया था बल्लेबाजी का फैसला। शुरुआत में फैसला थोड़ा गलत साबित होता दिख रहा था क्योंकि टीम इंडिया ने बांग्लादेश के 69 रनों पर ही 6-6 विकेट गिरा दिए थे। 6 विकेट 69 रनों पर ही, उनके कोई ओपनर नहीं चल पाए थे। अनामुल 11 बनाकर आउट हो गए थे, लिटन दास 7 बनाकर आउट हो गए थे, शंतो 21, शाकिब 8, मुशफिकुर रहीम 12, आफिफ हुसैन 0, 69 पर 6। लेकिन इसके बाद शुरू होता है बांग्लादेश का असली खेल, महमूदुल्ला और मेहदी हसन मिराज। सोचिए 8वें नंबर का बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज, एक जिसके नाम आज तक एक शतक भी नहीं था, आप उससे शतक खा जाते हैं। आप कितनी शानदार बॉलिंग कर रहे होंगे आपको अंदाजा होगा, टीम इंडिया ने कितनी शानदार बॉलिंग की होगी कि 8वें नंबर का वो गेंदबाजी ऑलराउंडर जिसने आज से पहले एक शतक तक नहीं लगाया था, 65 मैच वो खेल चुका है, उससे आपने शतक खा लिया। महमूदुल्ला ने भी उसका अच्छा साथ निभाया, 77 बना दिया। इन्हीं दोनों की जो शानदार पार्टनरशिप थी, और लीजिए अभी तो खत्म नहीं हुआ है, 90 नंबर का जो उनका बैट्समैन था नासूम अहमद,
वो भी आपको 163 के स्ट्राइक रेट से मारकर चला गया, 11 गेंदों पर 18 बना दिया और कुल मिलाकर 50 ओवर में बांग्लादेश की टीम 69/6 से 271 तक पहुंच गई। 100 भी नहीं, 150 भी नहीं, 200 भी नहीं, 250 भी नहीं, 271। उसके बाद आती है टीम इंडिया की बल्लेबाजी। द किंग कोहली, जिनका नाम था बहुत, उनकी तारीफ हुई थी अभी T20 वर्ल्ड कप में कि द किंग कोहली इज बैक, वापस आ गया है बादशाह। वो बादशाह सिर्फ एक सीरीज के लिए वापस आया था, वापस जा चुका है। वो जो ब्रेक विराट कोहली ने लिया था न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, वो उनके लिए ही घातक साबित हो गया। कहते हैं जब अच्छा फॉर्म हो तो ब्रेक नहीं लेना चाहिए, लगातार खेलते रहना चाहिए, लेकिन कोहली को ब्रेक दिया गया, उन्होंने ले भी लिया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले वनडे में भी सस्ते पे आउट हो गए 6 रन पे और दूसरे वनडे में तो उनको ओपनिंग करनी पड़ी क्योंकि रोहित शर्मा मैच के दौरान चोटिल हो गए थे, तो उंगली पे उनके चोट लग गई थी, वो बैटिंग भी नहीं कर पाए। इस वजह से कप्तानी जो है वो केएल राहुल ने की थी और कैसी कप्तानी की वो बांग्लादेश का स्कोर कार्ड आप देखकर समझ गए होंगे। विकल्पहीन थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये नीचे के बल्लेबाज कैसे हमें मार रहे हैं और क्या करना है, इनको पता ही नहीं था केएल राहुल को। वापस आते हैं बल्लेबाजी पर, विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए, हमारे शिखर धवन साहब, गब्बर साहब, उनकी दहाड़ गायब हो चुकी है। गब्बर साहब थोड़े दिन पहले तक दहाड़ते थे, अब गायब हो चुकी है उनकी दहाड़। गब्बर साहब ने 8 बनाए, विराट कोहली, द किंग कोहली ने 5 बनाए। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा गया था क्योंकि रोहित शर्मा खेल नहीं रहे थे, सुंदर ने 11 बनाए। हमारे कप्तान साहब, एक्टिंग कप्तान जो थे केएल राहुल, टेस्ट मैच खेलकर गए हैं, 28/14 बनाए। लेकिन एक उम्मीद जो हमेशा से पिछले कम से कम अगर हम 20 वनडे मैच देख लें उठाकर, एक ही उम्मीद टीम इंडिया के रहती है, वो है श्रेयस अय्यर। लगातार ये खिलाड़ी रन बना रहा है, 50 पे 50 लगा रहा है, सैकड़े पर सैकड़े लगा रहा है। आज भी इस खिलाड़ी ने अपनी भरपूर कोशिश की, इसका साथ किसी और ने दिया होता, ऊपर के और किसी बल्लेबाज ने, तो हो सकता है टीम इंडिया ये मैच जीत भी जाती। अय्यर ने 102 गेंदों पर 82 बनाए, 82 बहुत इंपॉर्टेंट, वहां जहां कोहली 5 बनाते हैं, शिखर धवन 8 बनाते हैं, सुंदर 11 बनाते हैं, केएल राहुल 14 बनाते हैं, वहां अय्यर ने 82 बनाए और उनका बहुत अच्छा साथ निभाया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 56 गेंदों पर 56 बनाए 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। जब तक ये दोनों खेल रहे थे ऐसा लग रहा टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर जिनका नाम है, 23 गेंदों पर वो भी टेस्ट मैच खेलकर चले गए, सिर्फ 7 बना पाए। और उसके बाद फिर हालांकि आखिरी के ओवर्स में रोहित शर्मा बैटिंग के लिए जरूर आए थे, लेकिन उनकी उंगली में साफ तौर पर वो दर्द दिख रहा था, वो चोट दिख रही थी, और फिर वहां से ये पता था कि रोहित शर्मा बस एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हैं, ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगे, और वही फिर साबित भी। तो टीम इंडिया इस मैच को हार गई और इसी के साथ वो सीरीज भी हार गई है और 2-0 से टीम इंडिया बांग्लादेश वनडे रैंकिंग में 7वें नंबर की टीम है उससे तक हार गई, वो भी तब जब 69 रन पर उस टीम के 6 विकेट हो चुके थे। अगर आप 100 पर 150 पर भी उसको ऑलआउट कर देते, 180 भी ऑलआउट कर देते, तो टीम इंडिया आराम से मैच जीत जाती। लेकिन पिछले मैच में भी उस टीम ने एकदम फर्श से जाकर अर्श तक का सफर तय किया और इस मैच में भी, और आप कुछ नहीं कर पाए, आप देखते रह गए। सोचिए 7वें नंबर की टीम आपके साथ ये हश्र कर रही है, ऊपर की जो अभी बड़ी बड़ी टीमें हैं उनसे आपका सामना होगा जब भी वर्ल्ड कप में, तो वो टीमें आपका क्या हाल करेंगी। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कितना ज्यादा तड़प रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के एंकर और किस तरह आग बगोला है अपनी टीम के ऊपर। और रोहित शर्मा से ये बात की जा रही है कि 2015 में लास्ट टाइम हिंदुस्तानी टीम बांग्लादेश जाकर हारी थी, उसके बाद ये 7 साल बाद बांग्लादेश ने सीरीज के अंदर शिकस्त दिया हिंदुस्तान की टीम को। और ये बात की जा रही है कि थोड़ा सा पानी लें और उसमें डूब के मर जाएं और कितने दाग लगवाएंगे भारत के माथे पर। ये भारत का गुरूर और भारत का तकब्बुर इसको ले डूबा है। भारत के मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें छोड़ी जाती हैं, सीरीज शुरू होने से पहले ये बात की जाती थी ये हमारे दविंदर खिलाड़ी आने वाले टाइम पे वर्ल्ड कप जिता देंगे, ये खिलाड़ी बांग्लादेश को तहस नहस कर देंगे, ये बंगाल टाइगर को दबोच लेंगे, और किस तरह ये बीगी बिल्ली बन गए टाइगर के सामने जाकर। ये बांग्लादेश वाले तो टाइगर हैं जिन्होंने इनको शिकस्त दी है। ये कागज के शेर जो हिंदुस्तान से उड़े थे ये बांग्लादेश जाकर ढेर हो चुके हैं। 7 नंबर की टीम, ODI रैंकिंग में 7 नंबर की टीम बांग्लादेश से शिकस्त खा रही है और सपने देख रहे हैं वर्ल्ड के चैंपियन बनने के, वर्ल्ड कप के चैंपियन बनने के, ये हुक्म चलाते हुए नजर आती हैं। कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, ये पाकिस्तान के साथ खेल ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसी तरह से इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया था। बांग्लादेश से मिली हार के बाद भारतीय टीम पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो रही है, भारतीय मीडिया जल रहा है, तड़प रहा है और ये बात कर रहा है कि बस करो और कितने हारोगे मैच, थोड़ी सी शर्म कर लो।
थोड़ी सी लाज रख लो, ये बांग्लादेश से जीत लो। और बांग्लादेश से ये 7 साल बाद सीरीज आ चुके हैं। अब इनकी हालत बीगी बिल्ली जैसी बन गई है और सामने खड़े हैं बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर के सामने ये बीगी बिल्ली बन चुके हैं और किस तरह मीडिया इनका तड़प रहा है, इनसे मिन्नते कर रहा है, इनके तरले कर रहा है, ओ भाई जीत लो, बांग्लादेश से भी हारना बाकी था जो आज बांग्लादेश से हार रहे हो। और भारतीय टीम है कि एक के बाद दूसरा मैच हार गई है। और रोहित शर्मा, आज मेरी बात लिख लें, रोहित शर्मा अब अगली सीरीज के लिए कैप्टन नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन चेंज हो जाएगा और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब नया कैप्टन लेके आएंगे। ये रोहित शर्मा की कप्तानी में आखिरी सीरीज है जो बांग्लादेश से हो रही है, और वो भी शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत के माथे पर दाग लगवा कर वापस जाएंगे। और बांग्लादेश ने सही मौके पर सही सबक सिखाया, भारत के मीडिया का तकब्बुर खाक में मिला दिया बांग्लादेश के शेरों ने। और अब भारतीय मीडिया कभी भी उछल उछल कर बातें नहीं करेगा, अब भारतीय मीडिया के ऊपर कभी भी ये गाना नहीं लगेगा मौका मौका, अब भारत के लिए ये मौका बन गया है। और भारत दूसरों को जो बातें करता था अब ये उल्टा इन्हीं के गले में पड़ गई है। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।